हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फंगल इन्फेक्शन। ये होता क्यों है और ये बार बार क्यों हो रहा है एंड ठीक क्यों नहीं होता है, और जैसे ठीक होने के बाद 6 महीने बाद भी ये वापस आ जाता है, तो इसके क्या कारण हैं और बार बार इलाज क्यों करना पड़ रहा है, और ये सारे कारण हम आज डिस्कस करेंगे। और किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? फंगल इन्फेक्शन को, जिसको हम इंग्लिश में टीनिया भी बोलते हैं, ये काफ़ी सारे एजेंट हैं टीनिया के ही ग्रुप के, जिनके कारण फंगल इन्फेक्शन होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर किसी को अलग अलग इन्फेक्शन हो सकता है। तो लोग ये सोचें कि हर तरह का फंगल इन्फेक्शन एक ही है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहती हैं, जैसे कि कुछ फंगल इन्फेक्शन सिर्फ ह्यूमन लोगों में ही होते हैं, मानवता में ही फैला हुआ है। दूसरा फंगल इन्फेक्शन जो जानवरों में होता है, एंड तीसरा फंगल इन्फेक्शन जिसके स्पोर जो होते हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं, तो ज़मीन से जब हमारा ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता है तो उसके थ्रू भी हो सकते हैं, और इनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल फीचर निकल के आते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तीनों ही प्रॉब्लम जो हैं ये ठीक नहीं होती हैं, और इनके सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर जिनके कारण फंगल इन्फेक्शन किसी को भी बहुत ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है वेदर। वेदर मतलब जो कंडीशन है, पर्यावरण हमारे आसपास कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि हम बारिश हो रही है उसी टाइम पे फंगल इन्फेक्शन होगा। अगर कोई इंसान बहुत ही उमस भरे घर में रहता है या उमस भरे एरिया में काम कर रहा है, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर हो गए, जैसे कि कोई मैकेनिक हो गया, या फिर कोई लेडी हो गई जो किचन में काम करती है और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि कोई प्लेयर जो बार बार प्ले कर रहा है, बार बार खेल रहा है, पसीना आ रहा है, तो पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब लोग सोचेंगे कि पहले भी पसीना आता था, आज के पसीने आने में क्या अंतर आ गया। आज के टाइम में फंगल इन्फेक्शन कॉमन इसलिए भी है क्योंकि आसपास के लोगों को फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और उनके थ्रू आपको फैल सकता है। दूसरा कॉज ये है कि पहले के लोग डेली नहाया करते थे, बहुत साफ़ सफाई होती थी, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे रखे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में हम हफ्तों में एक बार कपड़े धोते हैं या फिर टॉवल धोते हैं। तो ये भी एक बड़ा कॉज है कि पिलो कवर, टॉवल और बेडशीट हर 4 से 5 दिन में धुल जाने चाहिए, इससे ज़्यादा वेट हमें नहीं करना है। थर्ड थिंग होगी कि हम वेदर को कैसे सुधारें। अगर आसपास हमारे उमस भरा माहौल है तो सीधी बात है कि एग्जॉस्ट फैन लगवाएं, एग्जॉस्ट फैन लगा के या फिर रोशनदान व ऐसी जगह पे आप रेंट आउट करें जिसमें अच्छा खासा एरिएशन हो, अच्छी खासी हवा आती जाती हो, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ऐसी जगह पे रेंट आउट नहीं करें जहाँ पर उमस और या फिर सीलन लगी हो, सीलन लगे होने के कारण भी काफ़ी उमस पैदा होती है उन घरों में। फिर वेदर के बाद हमारे कपड़ों पे आते हैं हम, कि हम कौन से ऐसे कपड़े पहने जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ये सभी लोग जानते हैं कि जीन्स इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं और जिसके कारण सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन आज के कारण हो रहा है। वेदर से भी ज़्यादा कॉज जो फंगल इन्फेक्शन कर रहा है वो है जीन्स, क्योंकि जीन्स इतना टाइट होता है और जीन्स एक्चुअली बनाया गया था ठंडी जगहों के लिए, जैसे कि यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूएस जैसी जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहता है, तो यहाँ पर जीन्स इन जगहों के लिए बनाया गया था। बाद में इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ जीन्स, और हम जीन्स के बिना नहीं रह सकते, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन गर्मियों के टाइम में और बारिश के टाइम में हम लोगों को पैंट्स पहनने चाहिए जो हमारे नेचुरल पैंट्स पहले लोग पहना करते थे जब इतना फंगल इन्फेक्शन नहीं होता था। अब जब से लोगों ने जीन्स ही पहनना चालू कर दिया, भले ही बारिश हो जाए, गर्मी हो, इसलिए फंगल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से लोगों को बार बार आ रहा है। जैसे कि कोई पेशेंट ठीक हो जाता है और फिर से वो जीन्स पहनना चालू कर देता है, शुरू में तो हम उसे मना करते हैं जीन्स पहनने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से जीन्स चालू कर देते हैं, इस चक्कर में फंगल इन्फेक्शन उसे फिर से आ जाता है और वो फिर से पूरा का पूरा इलाज फिर करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि फंगल इन्फेक्शन में कुछ चीज़ों का आपको बिल्कुल दूर रहना है, जैसे कि उमस, बहुत ही टाइट कपड़े, गीलापन,
इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। नाउ अब हम डाइट के ऊपर बात करें, क्या डाइट का इम्पोर्टेंस है फंगल इन्फेक्शन में। डाइट का बहुत ही मिनिमम इम्पॉर्टेंस है फंगल इन्फेक्शन में। लोग कहते हैं खटाई खाने से, हाँ खटाई खाने से किसी किसी को इचिंग होने लगती है तो वो फंगल इन्फेक्शन और बढ़ने लगता है। तो खटाई का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये है कि खटाई खाने से इचिंग होने लगती है किसी किसी पेशेंट को, हर किसी को नहीं। मीठा खाने से उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है जिनको डायबिटीज़ है या जिनको प्री डायबिटीज़ है, मतलब वो डायबिटीज़ में जाने वाले हैं। अगर प्री डायबिटीज़ का पेशेंट है जो डायबिटीज़ में जाने वाला है, अगर वो ज़्यादा मीठा खाता है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। इसलिए मीठा और खट्टा ये उन्हीं लोगों के लिए मनाही होता है जिनको उस प्रकार जिनको उस इन चीज़ों से सही में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो ना। अब हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि ट्रीटमेंट के बाद भी फंगल इन्फेक्शन क्यों बार बार आ रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक, फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो स्पोर छोड़ता है। स्पोर मतलब मान लीजिए मुर्गी जैसे अंडे रख देती है, वैसे ही ये भी स्पोर देता है। ये जो स्पोर होते हैं हमारी स्किन पे जो दरारें होती हैं उनमें ये स्पोर चिपक जाते हैं, और जो हमारे बाल होते हैं उन पे भी ये स्पोर चिपक जाते हैं। और ये स्पोर को मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये इतने कठिन होते हैं मारने के लिए कि अगर इन्हें जलाया जाए तभी ये ख़त्म होंगे। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो स्पोर को ख़त्म कर सके। तो स्पोर जब फंगल इन्फेक्शन में चेंज होता है तभी उसे ख़त्म किया जा सकता है। और अगर स्पोर को सही तरह का वातावरण मिलेगा, मतलब कि नमी, गीलापन, और जैसे कि हाई शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल जो डायबिटीज़ में होता है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे कि एड्स में होता है, और जो लोग स्टेरॉइड ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, जो स्टेरॉइड की क्रीम होते हैं, उन पेशेंट में सबसे ज़्यादा वापस बार बार फंगल इन्फेक्शन आता है। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोग स्टेरॉइड को बहुत यूज़ करने लग गए हैं। जैसे कि मैं कुछ हालांकि मुझे दवाइयों का नाम नहीं लेना चाहिए, जिनमें क्लोबेटासोल होता है, और जिनमें हेलोबेटासोल होता है, जिनमें फ्लूटिकासोन होता है, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। तो आप इन चारों दवाइयों का नाम अगर किसी भी ट्यूब में आ रहा है तो उस दवाई को गलती से भी ना लगाएं, जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन में नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल ट्यूब है, और उसमें ये चार चीज़ें भी हों, क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लूटिकासोन, अगर इन कोई भी ट्यूब में इस तरह का केमिकल अगर है तो उस ट्यूब को गलती से भी उपयोग ना करें, वरना आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा धीरे धीरे। दिखेगा कि वहाँ पे साफ़ हो गया है, लेकिन वो कुछ दिनों में दुगना, तिगना, चौगना बढ़ता चला जाएगा। और ये आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तुरंत अपनी दवाई को देखें, ट्यूब को देखें, क्या उनमें ये केमिकल है। अगर है तो उसे तुरंत फेंक दें, और अपने इलाज के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। बार बार होने का एक कारण ये भी है कि आप झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते हैं, हालांकि वो डॉक्टर होते नहीं, उन्हें झोला छाप एक इंसान ही बोलना चाहिए, डॉक्टर नाम जोड़ना भी गलत है उनके नाम से। तो ये जो झोला छाप व्यक्ति है ये आपको किस तरह का ट्रीटमेंट देता है, ये एक एंटी फंगल देगा आपको जो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो उसके साथ ये क्या करेगा, एक ऐसी दवाई और जोड़ देगा जिससे आप कभी ठीक ना हो, जैसे कि क्लोबेटासोल का ट्यूब, हेलोबेटासोल का ट्यूब या फ्लूटिकासोन का ट्यूब। तो मतलब एक आपको ऐसी दवाई जोड़ दी जिससे कि आप ठीक हो सकें, और एक ऐसी जिससे आप कभी ठीक ना हो सकें। तो मतलब आप ज़िंदगी भर इससे इलाज कराते रहेंगे लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और यही इसका सोचना है कि आप कभी ठीक ना हो और बार बार इसके पास जाते रहें, तभी तो इसका दुकान हमेशा चलता रहेगा। तो अगर एक चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो आपको किस तरह का इलाज देगा, वो हर ऐसी दवाई देगा जिससे सिर्फ फंगल इन्फेक्शन मरे, किसी भी तरीके से बचे ना, और एक झोला छाप ना एक से मरे और एक से ज़िंदा हो, तो कभी मर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी है। अब हम बात करेंगे कि और भी क्या वजह है जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बार बार रिटर्न होके आ रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। दवाइयाँ ना काम करने की सबसे बड़ी वजह है झोला छाप डॉक्टर, और आपकी असक्षरता, दूसरा आपका आलस्यपन, जिसके कारण आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ से एक ट्यूब मांगते हैं, और वो ट्यूब इसी इन्हीं क्रीम्स का होता है, क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल, फ्लूटिकासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, उस ट्यूब में ये केमिकल ज़रूर होता है।
उसको आप लगाते रहते हैं और ये बार बार बढ़ता रहता है, धीरे शांति से बस फैलता जाता है। आपको लगता है अरे ये तो साफ तो हो गया है, बस एक रिंग बची है छोटी सी, और अगर रिंग भी नहीं है तो बस धीरे धीरे वो फैलता जाएगा आपके हाथों पैरों में और 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो शांत है, शांत नहीं है। जो क्लोबेटासोल हेलोबेटासोल होते हैं वो खुजली को ख़त्म कर देते हैं, दूसरा जो फंगल इन्फेक्शन है उसके जो सिम्टम्स होते हैं, कहना चाहिए सिम्टम्स होता है इचिंग और जो घेरा बनता है उस घेरे को वो ख़त्म कर देता है, बस उसे शांति से बढ़ने देता है। तो आपको लगता है अरे इन्फेक्शन तो बहुत कम हो गया है, तो आप और लगाते हैं, फिर वो वापस आता है, फिर आप और लगाते हैं, फिर वो वापस आता है, फिर आप और लगाते हैं, और इस तरह वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो आपको इन चीज़ों का काम यूज़ नहीं करना है, अपने आलस्य से बाहर निकले और एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ को फंगल इन्फेक्शन के लिए ज़रूर दिखाएं। आप हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं जो प्रॉपर डिग्री वाला हो, उसको ज़रूर दिखाएं। अगली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शन में? आज के टाइम में सिंगल ड्रग फंगल इन्फेक्शन में काम नहीं करती, मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप फिर वही करेंगे, मेडिकल स्टोर जाएंगे, कॉम्बिनेशन खरीद के खाने लगेंगे, कब तक खाना है आपको पता नहीं है, और बस आप थोड़ा खाएंगे साफ़ हो जाएगा फिर छोड़ देंगे इलाज। तो ये नहीं करना है, एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ को मिलें और वो आपको सही इलाज देगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी हमेशा के लिए। एंड जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनका आप ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन वापस नहीं आएगा। हाँ, किसी किसी में फंगल इन्फेक्शन में सही इलाज के बाद भी वापस आ सकता है, बिल्कुल सही इलाज सही डॉक्टर ने किया, वो क्यों आता है? क्योंकि आपने जो पहले बहुत सारे इलाज किए उसके कारण फंगल इन्फेक्शन हाईली रेजिस्टेंट हो गया, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो रेजिस्टेंट हो गया, तो वो ड्रग्स उस पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही बार बार उस ड्रग को ये खा रहे हैं, लगा रहे हैं, इसलिए अब वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि टीबी आज के टाइम में ड्रग रेजिस्टेंट है, एड्स वायरस ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, इवन नॉर्मल इन्फेक्शन जो छोटे छोटे होते हैं बैक्टीरिया, उनमें आज के टाइम में बड़े बड़े एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग और झोला छाप डॉक्टर उन दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण हम लोगों को और ज़्यादा कॉम्बिनेशन या और ज़्यादा हैवी ड्रग्स आपको देने पड़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपना इलाज खुद से ना करें, एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ट्रीटिंग दिस फंगल मेनेस एंड फंगल डिजीज एंड ऑल्सो द रिकरेंस ऑफ इट। और हाँ, दूसरा, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कितना ड्यूरेशन का होता है? ड्यूरेशन इसका 2.5 महीने का होता है, कभी कभी 3 महीने का। इतना लंबा क्यों? ठीक तो ये 1 महीने में ही साफ हो जाता है, लेकिन जो बाकी का 1.5 महीना हम और चलाते हैं, इसमें हम उस रिकरेंस जो बार बार इसका आना है उसको रोका जाता है। अब आप कोई भी दवाई खा लें और ये सोचें कि रिकरेंस रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रिकरेंस रोकने के लिए भी पर्टिकुलर ड्रग्स होते हैं जो मैं नहीं बताऊँगा, इसलिए नहीं बताऊँगा वरना आप उसको भी आधा अधूरा खा लेंगे और फिर सोचेंगे कि ये फिर रिकरेंस हो गया। तो एक सही डॉक्टर को मिलें तभी आपको हेल्प मिलेगी। डॉक्टरों को बनाया ही इसलिए गया है कि वो सही डोजेज में सही ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलाएं। अगर सही डोज नहीं दिया गया और सही ड्यूरेशन नहीं दिया गया, दोनों ही उतने बराबर इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोनों चीज़ें बराबर दी गई हैं तभी पेशेंट फंगल इन्फेक्शन से फ्री होगा, अदरवाइज ये कभी भी फ्री नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।